तो भाई आज मैं और खुशबू मिलके बनाएंगे पालक और गोभी के पराठे। तो भाई खुशबू, आपने गोभी के पराठे खाए होंगे अब तक। हाँ। लेकिन आज हम गोभी में पालक मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है? तो गोभी और पालक के पराठे बनाएंगे आज। मामी क्या क्या डाला आटे में, तो आइए जानते हैं हमने आटे में या गोभी और पालक के पराठों के लिए क्या तैयारी की है। खुशबू, ये हमने ले लिया गेहूं का आटा, इसमें डाला है बेसन, साथ में दही, अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया पाउडर, और ये ले लिया है हमने पेस्ट किसका, गोभी का और पालक का। इसमें गोभी, पालक, अदरक, हरी मिर्च है। तो सारी चीजें मिक्स करके हम लगा लेंगे इसका आटा, ठीक है खुशबू? ठीक। तो अभी इसका आटा लगा लेंगे, ठीक है? इसमें दही डाला है हमने, दही से क्या होगा, इसे सॉफ्ट बनेंगे पराठे और ऑयली भी नहीं लगेंगे, ठीक है? क्या क्या डाला हमने, दही और क्या डाला, धनिया, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी हल्दी, और जो हमने पेस्ट बनाया उसमें था पालक, गोभी, अदरक, हरी मिर्ची, और इसमें डाली हमने अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, हाजमा अच्छा होता है, नुकसान नहीं करेगी गोभी। अरे बाप रे, इतनी ठंड है, जवान बच्चा भी देखो कैसे शॉल ओढ़ के बैठा हुआ है तो ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना निखिल? कैसे बने पराठे? ठंड इतनी ज्यादा है कि बोला नहीं जा रहा इससे। हाँ जी, आप बताइए। खुशबू पराठा बनाते हुए तो लग गया भाई हमारा भी खाना। तो खुशबू कैसे हैं पराठे? तो भाई पराठे तैयार हैं हमारे और हम बैठ गए अपने खाने के लिए, मैं और खुशबू, मामी भांजी दोनों मिलके खाना खाएंगे अब। तो गोभी के पराठे जब तक हजम होंगे तब तक अगली तैयारी कर लेते हैं हम, गाजर का हलवा और पोटैटो सैंडविच बच्चों के लिए। आलू बॉईल हो चुके हैं और ये हमारी गाजर गल चुकी है, अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी। आप लोग सोच रहे होंगे कौन है खुशबू, तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, खुशबू हमारी भांजी है और साथ में उसका भाई है निखिल, तो दोनों हमारे भांजा भांजी आए हुए हैं। जब बच्चे आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और मन करता है उनको कुछ कुछ बना के खिलाया जाए, और वैसे भी अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी में तो वैसे ही गर्मा गर्म चटपटा कुछ अच्छा लगता है। तो सैंडविच के लिए मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है, इसमें है बॉईल किए हुए आलू और साथ में मसाला, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, इसमें प्याज वगैरह भी डलता है लेकिन मैंने नहीं डाला है। और इस साइड हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है, और ये है इसे मावा रेडी कर लूँ मैं, ये हमारी गाजर पक गई है, चीनी भी डाल दी है, अब इस मावा को डाल दूँगी इसके अंदर में। तो ये हमारा मावा बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख रहे हैं आप पैन को छोड़ने लग गया, इसका मतलब ठीक हुआ, तैयार है हमारा। आप देख सकते हैं चीनी का पानी भी सूख चुका है और मावा डालने का सही टाइम है ये, मावा डाल दिया है मैंने, अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हमारा दानेदार हलवा बनके तैयार है, अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट और एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी। ड्राई फ्रूट डाल दिया हमने, काजू, किशमिश, बादाम, आपके पास पिस्ता है तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ ये तीन डाले हैं, और अखरोट भी डाल सकते हैं इसमें हम। हलवा पूरी तरह तैयार है और अभी जाएगा इसमें देसी घी, ये डाल दिया हमने देसी घी, इसको करेंगे अच्छे से हम मिक्स। तो चलिए बना लेते हैं अब सैंडविच हम, इस पे लगाएंगे सबसे पहले हम ग्रीन चटनी, उसके बाद हमने जो ये बनाया था अपना आलू मैश करके ये मिक्सचर लगा देंगे अच्छे से फैला के। ये लग चुका है, अब दूसरे ब्रेड पे लगाएंगे हम टोमेटो सॉस, ये
इधर हमारे सैंडविच बन रहे हैं, ये चाय तैयार हो रही है, हलवा रेडी हो चुका है। वो इंतजार कर रहा है कि खुशबू मुझे खाने को कब देगी। तो खुशबू सैंडविच रेडी हो गए? यस। तो भाई सर्दी में गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है, गाजर का हलवा और पोटैटो सैंडविच। माँ को और माँ जी को हमने बाहर ही पकड़ा दिया, वो लोग बाहर बैठे हुए थे और हम लोग अंदर एंजॉय कर रहे हैं। डुगू की और अपने डॉग्स की रोटी बनाने के बाद फिर हम लोग आ गए प्लॉट में और खुशबू को रैबिट्स देखने थे, लेकिन रैबिट्स के सोने का टाइम हो चुका था इसलिए वो अपने अपने घर में अंदर जा चुके थे और बाहर नहीं निकले। डुगू की खासियत है कि जब भी कोई आता है ना घर में तो उसका मन करता है कि बस मैं इन लोगों के साथ खेलूं। तो निखिल खुशबू के साथ वो खेलने लग गया और साथ में ये भी है, माताजी कुछ बता रही है खुशबू को। बाकी सब लोग तो आ जाते हैं, निखिल भी काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन खुशबू कई सालों में यहाँ पर आई है। ये बहुत ही कम आ पाती है और मुझे याद भी नहीं आता ये लास्ट टाइम कब आई थी, बस एक बार शादी में आई थी और यहाँ पे बहुत ही कम रही है। हाँ शिवानी जो इसकी बड़ी बहन है वो काफ़ी टाइम यहाँ पे रह के गई थी, लेकिन खुशबू यहाँ पे बहुत ही कम आ पाती है। तो अच्छा लग रहा है अभी ये 2-3 दिन यहीं पर रहेगी। और पता है बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन इनकी जो बचपन की यादें होती हैं ना वो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा रहती हैं। तो जब भी खुशबू से मिलते हैं ना, तो जब खुशबू बिल्कुल छोटी सी थी यहाँ पे इसकी मम्मी से लेके आती थी, वो सारी यादें फिर से एकदम से ताज़ा होने लगती हैं, सारी मतलब उसी के बारे में बातें होने लगती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो डुगू के साथ खेलते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था इन लोगों को भी और डुगू को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरह से हमने आज पूरा दिन हंसी खुशी में बिताया, ढेर सारी बातें की, ढेर सारी पुरानी यादें ताज़ा की और काफ़ी मज़ा आया। तो अभी 2-3 दिन काफ़ी मज़ा आने वाला है, खुशबू और निखिल के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे और मौसम अच्छा रहा तो हम खेत में भी घूमने जाएंगे। तो मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।